यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यूपी के ग्रामीण इलाकों में पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए शुरू हुए अभियान में कई जगहों से किसानों से बदसलूकी के मामले सामने आने के बाद अब सीएम योगी ने अफसरों को किसानों पर सख्ती की बजाय उनको जागरूक करने के निर्देश दिए, क्योंकि पराली जलाने पर गिरफ्तारी और मुकदमे दर्ज होने से किसानों में नाराजगी बढ़ती जा रही थी। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए यूपी सरकार ने सभी जिलों में पराली जलाने से रोकने के निर्देश दिए थे, लेकिन पराली के नाम पर किसानों के खिलाफ लगातार हो रही कार्रवाइयों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताते हुए सभी जिलों के अफसरों को निर्देश दिए हैं कि किसानों पर FIR दर्ज करने के बजाय उन्हें पराली से होने वाले नुकसान को लेकर जागरूक किया जाए। ये सब जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की है। पराली के नाम पर इस तरह की जो बदसलूकी की जा रही है, ये कोई ऐसा कानून क्यों नहीं लेके आते, यदि कोई सिस्टम क्यों नहीं लागू करते। पराली से भूसा भी तैयार हो सकता है, जहां गौशालाएं जो जहां गायें जो मर रही हैं, भूखी प्यासी गायें मर रही हैं, उस पराली को यदि मशीन में मड़ाई कर दी जाए, उसका भूसा बना लिया जाए, तो आराम से इसे पशु भी खाते हैं। दरअसल पराली जलाने से रोकने के नाम पर कई जिलों से किसानों से बदसलूकी की तस्वीरें और मामले सामने आते जा रहे हैं, जिसकी वजह से पराली के खिलाफ इस अभियान पर सवाल उठने लगे हैं। मैनपुरी में पुलिस ने पराली जला रहे किसान के अग्रीवान पकड़ लिया, तो झांसी में किसानों को पराली जलाने से रोकने में नाकाम SDM ने कह डाला कि अगर उन्हें ज्यादा समस्या है तो चुनावों में सरकार ही बदल दे। अब सरकार को क्या निर्णय लेने हैं और लिए गए निर्णयों को कब पलटना है, इसके लिए एक तरीका होता है, चुनाव। या तो सरकार ही बदल दो यदि आपके मन की सरकार नहीं है, या फिर जो माननीय मंत्री जी लोग हैं उन तक बात पहुंचाई जाए। कृषि विभाग के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले अब तक पराली जलाने में 30% की कमी आई है, फिर भी प्रदेश में पराली जलाने के 1152 मामले सामने आए। पराली के मामलों में अब तक किसानों पर 586 मुकदमे दर्ज हुए हैं, 64 किसानों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 973 किसानों को नोटिस भेजे गए हैं। वहीं प्रदूषण से बेकाबू होते हालात को देखते हुए अब NGT ने भी सख्त रुख अपनाते हुए 4 राज्यों UP, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों से एडवाइजरी तलब की है और पूछा है क्यों नहीं पटाखों पर 30 नवंबर तक रोक लगा दी जाए, जिसके बाद राजस्थान और अब दिल्ली में पटाखों पर रोक लगा दी गई है। और अब यूपी सरकार को फैसला करना है कि त्योहारों पर पटाखे जलाए जाएंगे या नहीं। लेकिन यूपी में भी कई जिलों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए पटाखों को लेकर सख्ती दिखने लगी। हालांकि हर सर्दियों और त्योहारों से कई महीनों पहले ही प्रदूषण नियंत्रण के लिए NGT, सरकारें और अदालतें अपनी कोशिश में जुट जाती हैं, लेकिन प्रदूषण रोकने की तमाम कोशिशें और दावे अब तक फेल ही साबित हुए हैं। इसके चलते यूपी और दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के कई शहरों में प्रचंड सर्दी से पहले ही आसमान में धुंध और दिन में अंधेरे जैसे हालात पैदा हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।